चलो अभी मशीन को एक बार चालू करके दिखाता हूँ। ये मशीन को मैं चालू कर दिया, ठीक है, थोड़ा लाइट जला देता हूँ, ताकि मैं सभी मशीन का लाइट थोड़ा जला देता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर देखो ये जो बॉटम देख रहे हैं, 1, 2, 3, ये पूरा लाइटिंग का बॉटम है, ठीक है। लाइट पूरा जला दिया, आप देख सकते हो पूरा लाइट जल रहा है ना। और उसके बाद देखो अभी कौन सा फंक्शन में क्या क्या काम हो रहा है, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। ये लेबर है, देखो क्लास लेबर है, इसको मैं उठाता हूँ। उठाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, बॉटम में क्या दिया हुआ है, मेनुइज, ठीक है ना, मेनुइज दिया हुआ है, जो कि शुरुआत में नहीं दिया रहता है, ठीक है। सबसे पहले ये कीपैड का जो मेनू बटन है, मेनू बटन को ऑन करके उसके बाद ऑन करना पड़ता है, तो ऑन कर दिया। और इसको अभी इस लेबर को हम खींचेंगे तो केली ऊपर आएगा, ठीक है। ये देखो अभी ये लेबर खींच रहा है, ठीक है, यानी मेनुइज घूम रहा है। यहाँ पर डिस्प्ले मार्क पर देखो, डिस्प्ले में अभी क्या है, मेन विंस में, ठीक है। एक्सिलरी विंस अभी डीएक्टिव मोड में है, आप यहाँ पर भी देख सकता है एक्सिलरी विंस एक्टिव नहीं है। अभी जो काम होगा वो मेन विंस का काम होगा, यानी केली बस अप एंड डाउन होगा। लेवल पे देखो, डाउन करेंगे तो केली डाउन हो रहा है, और ऊपर करेंगे तो केली ऊपर हो रहा है, ऐसा हो गया, ठीक है। और अभी इसका राइट एंड लेफ्ट दिखाएंगे कैसे। ये देखो, ये बॉटम है ना, बॉटम को हम प्रेस करेंगे तो देखो इस तरफ लेफ्ट में दबाएंगे तो अभी देखो कितना भी दबाएगा काम नहीं होगा। इसको प्रेस करके दबाएंगे ना, ये देखो मशीन ऑटोमेटिक स्विंग हो रहा है, ठीक है। ये दबाएगा तो उस तरफ स्विंग होगा, और इसको प्रेस करके इस तरफ दबाएगा ना, इस तरफ दबाने से इस तरफ स्विंग होगा, नहीं राइट लेफ्ट स्विंग होगा, ये आपको पता होगा, ठीक है। अभी इस लेवल पे आते हैं, देखो इस लेवल पे अभी अप एंड डाउन करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे सिग्नल क्या दिया हुआ है देख सकते हैं। एक चीज इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, कोई भी फंक्शन काम करने से पहले, आप कोई भी फंक्शन चलाने से पहले, सबसे पहले आपको डिस्प्ले में और कीपैड में एक बार चेक कर लेना है कौन सा फंक्शन किस मूड पे है, ठीक है। अगर गलत मूड पे है और आप चला दिया, कुछ भी हो सकता है, टूट सकता है, कुछ भी तोड़फोड़ हो सकता है, एक्सीडेंट, कुछ भी इंसिडेंट हो सकता है, बहुत बड़ा दुर्घटना कर सकता है। तो सबसे पहले हमें फॉलो करना है डिस्प्ले में, नहीं तो कीपैड में कौन सा फंक्शन एक्टिव है, उसके बाद ही लेवर चलाना है, ठीक है। तो गाइस हमने अभी देख रहा है, इधर देखो इस बटन का जो आगे पीछे जो बटन है, इसमें अभी पेंटोग्राफ का बटन है, ठीक है। यानी इसको देखो आगे की तरफ देगा तो ये पेंटोग्राफ आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है, और इसको ऊपर हटाएगा तो पेंटोग्राफ ऊपर की तरफ आ रहा है, देख सकता है। और अभी इस लेवल पे दो काम है, और एक चीज बदल देगा तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से अभी क्या करेंगे, पेंटोग्राफ बदल के इसको रॉड रिमूव करेंगे। रॉड रिमूव करने से क्या होगा, ये देखो ये ऊपर करेंगे तो रॉटरी ऊपर की तरफ जाएगा, और ये डाउन करेंगे तो रॉटरी नीचे की तरफ डाउन होगा, ठीक है। तो गाइस ये रॉटरी अप एंड डाउन का और पेंटोग्राफ अप एंड डाउन का आगे पीछे होगा, और राइट हैंड लेफ्ट में जो होगा रॉटरी घुमाने का काम करेगा। देखो ये अभी इस तरफ सीधा घुमा करके, इस तरफ प्रेस करना मतलब ये सीधा है, सीधा तरफ है, तो इस तरफ प्रेस करेंगे तो देखो रॉटरी घूमना स्टार्ट हो गए, ठीक है। और ये उल्टा तरफ प्रेस करेंगे तो रॉटरी उल्टा घूमना स्टार्ट हो चुके, ठीक है। तो गाइस ये आगे पीछे रॉटरी घुमाने का काम है, और इसमें अब शेकिंग करके मट्टी भी छुराना पड़ता है, देख सकता है, ऐसे करके शेकिंग करना पड़ता है, तभी जाके मट्टी छुरता है, आगोर से हो, पॉकेट से हो, ठीक है। और गाइस ये दोनों लेबर और ये फंक्शन तो दिखा दिया, ये जो है ट्रैवल का है, मैं दिखाता हूँ। ये देखो ट्रैवल काम, अभी कितना भी प्रेस करेंगे काम नहीं होगा, उसको एक्टिव करना पड़ेगा बॉटम से। ये शुरू में दिखा दिया, ये ट्रैवल का है, इसको प्रेस करेंगे तो ये देखो रेड इंडिकेटर जल रहा है, तो इसका मतलब ये ट्रैवल का एक्टिव हो चुका है। और डिस्प्ले में भी आप चेक कर सकते हैं, इधर देखो डिस्प्ले में आप देख सकता है ये भी ग्रीन हो चुका है, मतलब ट्रैवल का जो लेवर है वो एक्टिव हो चुका है। अभी हम आगे पीछे करेंगे तो ये देखो क्या कर रहा है, ये आगे कर रहा है, ठीक है, ये मतलब ट्रैवल का एक्टिव हो चुका है, काम कर रहा है। तो ये लेवर ट्रैवल का है, अभी मैं ट्रैवल का बंद कर देता हूँ। एक चीज है, ट्रैवल का लेवर कभी भी काम ट्रैवल का नहीं है तो वो डीएक्टिव करके यानी बंद करके रखना चाहिए, क्योंकि बाई चांस मान लीजिए आपका ध्यान नहीं है, पैर रख दिया, कुछ भी हो सकता है, इंसिडेंट वगैरह एक्सीडेंट कुछ भी हो सकता है। अगर मान लीजिए ट्रक के सामने कोई खड़ा है, पूरा एकदम प्रॉपर हो जाएगा, छपट हो जाएगा, ठीक नहीं। हाँ, तो कभी भी कोई भी फंक्शन मैं फिर से बताता हूँ, कितना अच्छा है उतना डेंजरस भी है, ठीक है, बहुत ज्यादा डेंजरस खतरनाक भी है। आप कोई भी फंक्शन चलाइए, सबसे पहले डिस्प्ले में फॉलो करना है कौन सा फंक्शन एक्टिव मोड में है, उसी का हिसाब से काम करना है, ठीक है। और एक चीज है, मेन विंस और सेकेंड विंस, बहुत एक्सपीरियंस वाला ऑपरेटर भी ये गलती करता है। क्या करता है, मान लीजिए आपका अभी मेन विंस पे नहीं है, सेकेंड विंस मूड में किया हुआ है, लेकिन ऑपरेटर को ध्यान नहीं है या जो काम कर रहा है उसका ध्यान नहीं है, सेकेंड विंस का मूड पे है, तब लेवर दबाएंगे तो क्या होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रक को, तो अभी जो हुक दिख रहा है ना, वो हुक को तोड़ देगा, नहीं तो सेकेंड विंस का एक्सिलरी विंस का जो रोप होगा ना, वो रोप को तोड़ देगा, ठीक है। तो ये चीज हमेशा ध्यान पे रखना है, इसको कभी भी सबसे ज्यादा फॉलो इसी में रखना पड़ता है, जो ये लेवर का फंक्शन जो है कौन सा मूड में है, सेकेंड विंस में है या मेन विंस में है, तो हमेशा इसको फॉलो करके चलना पड़ता है, तभी मशीन को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी देखो मैं एक्सिलरी विंस किया हुआ है,
इसको अभी क्या करेंगे, तो आप नजदीक में आ जाओ, बदल के मैं लॉक कर देंगे। देखो एक्सेलरेटर विंग्स पे है, इसको मेन विंग्स कर देंगे, मेन विंग्स करने के बाद इसको मैं लॉक कर देंगे, ठीक है। लॉक करने से क्या होगा, अभी कितना भी आप ऊपर नीचे करेंगे वो मेन विंग्स यानी केली बार से अप एंड डाउन होगा, एक्सेलरेटर विंग्स कुछ नहीं होगा, ठीक है। और गाइस यहाँ पे देख सकता है ये जो है मार्च वर्टिकल है, ठीक है। इसको जब भी आप सेंटर में प्रेस करेंगे ना, डिस्प्ले में ठीक इस तरह इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। ये देखो जब भी प्रेस करेंगे, ये देखो डिस्प्ले ऑटोमेटिक चेंज हो चुका है, यानी आपको सिग्नल दिखाएगा मार्च किस तरफ जा रहा है, यहाँ से आपको पता चलेगा मास्ट पीछे जा रहा है, राइट जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है या आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज को फॉलो करके इस लेवल से काम करना है। ये देखो इसको प्रेस करके पीछे की तरफ दबाएगा ना, पीछे की तरफ दबाने से मास्ट पीछे की तरफ जा रहा है, देख सकता है। ये देखो ये नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब मास्ट वर्टिकल पीछे की तरफ जा रहा है, और इसको प्रेस करके ऊपर की तरफ दबाएंगे तो मास्ट ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है ना, यानी मास्ट का आगे की तरफ जाएगा, ठीक है। और इसको प्रेस करके फिर लेफ्ट और राइट इसको दबाएंगे ना, तो यहाँ से आपको पता चलेगा लेफ्ट में जा रहा है, राइट में जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया मास्ट वर्टिकल का, है ना। और ये चीज ना आप ऑटोमेटिकल कर सकता है, वो भी कैसे, इस बटन की मदद से, मतलब इस लेवर का काम भी बॉटम से भी कर सकता है और यहाँ से भी कर सकता है, देख सकता है। तो यहाँ से आप यारो आप देख सकता है, इसको दबाने से पीछे की तरफ जाएगा और इसको दबाने से आगे की तरफ जाएगा, यार ये लेफ्ट और ये राइट, इसमें भी काम होगा। और जो डिस्प्ले बटन है, डिस्प्ले बटन से भी काम होगा। डिस्प्ले बटन से क्या करना पड़ेगा, इस बटन को एक्टिव करके ये जो देख रहा है इसको प्रेस करने से एकदम देखो पीसी की तरफ जा रहा है, एकदम धड़ाधड़ स्पीड में पीसी की तरफ जा रहा है, ठीक है। और ये जो बटन है इसको एक्टिव करने से ये देखो ये बटन जो है आगे की तरफ जा रहा है, और मास्ट वर्टिकल जो है वो भी आगे की तरफ ही जा रहा है, ठीक है। और गाइस और एक चीज है, जो मास्ट वर्टिकल मान लीजिए आप सेंटर नहीं कर पा रहे तो ऑटोमेटिकल कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकता है इसको प्रेस करके ना, इस तरफ जो बॉटम है एकदम ये सेंटर है, ऑटो सेंटर है, मतलब ये जो पॉइंट ना एकदम 0-0 सेंटर पे आ जाएगा। वो कैसे करेगा देखो, इसको प्रेस करेंगे ना ये ऑटोमेटिकली मास्ट वर्टिकल जो है ना एकदम 0-0 पे सेंटर पे आ जाएगा, ये देख सकते हैं। हाँ मास्ट कैसे भी हो, मतलब किधर भी हिला रहेगा ना, राइट लेफ्ट आगे पीछे रहेगा तो ये सेंटर हो जाएगा। लेकिन एक चीज है, ये काम कब करेगा, ये जो रेड सिग्नल का देख रहा है ना, लाइन देख रहा है, तो इस लाइन का नीचे आएगा तो तब ये ऑटोमेटिकल काम नहीं करेगा, ठीक है। कम से कम ये जो रेड पॉइंट है लाइन का अंदर में होना पड़ेगा, तभी जाके ये काम करेगा। बहुत सारा फंक्शन के बारे में आज बता दिया है ना, और क्या बताएंगे, इस मशीन में बहुत काम होता है, ठीक है ना। और भी बहुत सारा फंक्शन है, वो सब कुछ जानने के लिए मशीन का पीछे काम करना पड़ता है, धीरे धीरे जानना पड़ता है। एक बार में सब कुछ बताएंगे तो आप लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। आज के लिए वीडियो इतना ही करेंगे, अंधेरा हो चुका है। इतना सारा मेहनत सिर्फ आप लोगों का हेल्पिंग के लिए किया है, आप लोगों का हेल्प के लिए किया है, और हो सके तो आप आपका दोस्त को फ्रेंड को थोड़ा शेयर कर दो वीडियो को, ताकि आपका कोई फ्रेंड होगा उनका भी थोड़ा मदद मिल जाएगा, हेल्प हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा आज का इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। आप जो भी फ्रेंड हेल्परी कर रहा है मशीन के पीछे अभी तक और काम अभी तक सीख रहा है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा इस आज का इस वीडियो से। तो गाइस चैनल पर नया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करो, हो सके तो दोस्तों को शेयर करो। उम्मीद करता हूँ मैं जितना सा कोशिश करता हूँ उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज के लिए वीडियो इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए आप खुश रहना, अच्छे रहना। ओके गाइस टाटा बाय बाय।